इस मॉड्यूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास हैक्सा के अंदर फ्लाइट को डिस्कस करेंगे इंसेक्ट्स में फ्लाइट दो तरह की होती है ए फ्लाइट और सिनक्रॉनिस फ्लाइट ए को हम इनडायरेक्ट फ्लाइट भी कह देते हैं अब इनडायरेक्ट फ्लाइट का ए मैकेनिज्म क्या होता है इस मैकेनिज्म के अंदर कोई भी फ्लाइट का मोड हो चाहे वो एनक्रोनिस है चाहे वो सिनक्रॉनिस है इसके अंदर जो मसल्स हैं दे प्ले वेरी इम्पॉर्टेंट रोल अब जो मसल्स हैं ये एक्सोस्केलेटन की शेप को चेंज करेंगे फॉर बोथ द अपवर्ड इंसेक्ट स्ट्रोक एज वेल एज फॉर द डाउनवर्ड विंग स्ट्रोक दोनों में फ्लाइट तभी आती है जब इन इंसेक्ट्स का विंग जो है वो अपवर्ड भी मूव करेगा और डाउनवर्ड भी मूव करेगा और इस मूवमेंट में जो विंग्स के साथ अटैच मसल हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अब इसके अंदर जो मसल्स हैं उनको हम कहेंगे वेंट्रल मसल वेंट्रल मसल्स जो हैं जो टर्गम को टर्गम क्या है जो कि एक्सोस्केलेटन है इसको डाउनवर्ड पुल करेंगे इसके बाद फिर इसको अपवर्ड थर्स्ट में प्रोड्यूस करेंगे तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड इसी से ही इंसेक्ट के अंदर फ्लाइट का मोड जो है वो क्रिएट हो अब डाउनवर्ड थर्स्ट जो है वो कब होगा डाउनवर्ड थर्स्ट उस वक्त होता है जब लॉन्गी मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट करेंगे और इनकी कंट्रैक्शन से एक्सोस्ल्टन जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ आर्क अपवर्ड और जो इसके अंदर रेसिलिएंट प्रॉपर्टीज़ है एक्सोस्केलेटन की ये नॉर्मली इनहानस करती हैं पावर को और वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रोक्स फिर एक ड्यूरिंग फ्लाइट अनदर जो इम्पॉर्टेंट मोड है वो है विंग्स का बीट करना विंग्स की बीटिंग के दौरान थॉरक्स जो है नॉर्मली दैट इज डिफॉर्म्ड और इसके अंदर जब थॉरक्स डिफॉर्म्ड होगा तो जो एक्सोस्केलेटन में अनर्जी स्टोर्ड है दैट इज़ यूजुअली कमिंग आउट और वो अनर्जी जो है वो अब फ्लाइट मैकेनिज्म में यूज़ हो फिर इसके दौरान जो है जब भी डाउनवर्ड स्ट्रोक होगा उसमें एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा जिसके दौरान जो है जो एनर्जी मसल्स के अंदर स्टोर्ड है वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाएगी इसी तरह से जो विंग की मूवमेंट है वो उसके अंदर रेजिस्टेंस आएगा और आहिस्ता आहिस्ता जब ये एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाए अब विंग जो है देन दे प्रोड्यूस क्लिक्स थ्रू द रेस्ट ऑफ साइकिल यूजिंग ऑल द एनर्जी दैट इज प्रजेंट इन साइड द एक्सो स्केलेटर फिर एंक्रोनी जो है इस फ्लाइट के मैकेनिज्म की वो उसके दौरान जो है नर्व इम्पल्स और विंग बीट इन दोनों का भी इम्पोर्टेंट रोल है सिंगल नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होगी जैसे ही फ्लाइट का मोड स्टार्ट होगा और एक सिंगल नर्व इम्पल्स इंसेक्ट के अंदर 50 साइकल्स ऑफ विंग्स के जनरेट कर सकती है और इसी तरह से इन साइकिल्स की फ्रीक्वेंसी होगी 1000 थाउजेंड साइकिल पर सेकेंड और ये जो है कुछ मिजिस के अंदर ये 1000 थाउजेंड साइकिल पर सेकेंड रिकॉर्ड भी की जा चुकी है अब ये जो है अभी हमने बात की ए, इसकी विंग्स की विंग्स बीट की नर्व इम्पल्स की जब भी फ्लाइट का मोड स्टार्ट होगा इन दोनों के दरमियान ए सिंक्रोनी जो है वो बहुत ज़रूरी है कि इन दोनों के अंदर जब तक सिंक्रोनियस मूवमेंट्स नहीं होंगी विंग्स की मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो सकती इसी तरह से जो लॉन्गीट्यूडनल फ्लाइट की स्ट्रेचिंग है इसके दौरान भी मसल्स जो हैं दे नॉर्मली इनिशिएट देयर कंट्रैक्शन सिमिलरली कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन के बाद स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग जो है उस दौरान जो डाउनवर्ड बीट्स है दिस आल्सो स्टार्ट्स कंट्रैक्शन तो कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं फॉर द इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स और इस तरह के जो इनडायरेक्ट फ्लाइट मसल्स जो इस मैकेनिज़म्स में इन्वॉल्व हैं इन मसल्स को हम कह देते हैं फिब्रेल फ्लाइट मसल्स जो इंसेक्ट्स जिनके अंदर ये एसनक्रॉनिक्स मोड ऑफ फ्लाइट है इसमें आते हैं फ्लाइज बेज विच यूजली शो द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ए सेंक्रॉनिक्स फ्लाइट मूवमेंट सिंपल अगर हम ये देख लें कि विंग्स जो है इंसेक्ट्स मूव कर रहे हैं इनके विंग्स फ्लिपिंग कर रहे हैं तो सिंपल फ्लाइट के लिए फ्लिपिंग ऑफ विंग्स का प्रोसेस जरूरी नहीं है बल्कि इसमें वो सारे प्रोसेसिस इन्वॉल्व होते हैं जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं मेनली इसके साथ जो है सिंक्रोनाइज प्लेट्स जो के विंग्स की बेस पे मौजूद है दे आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इस डायग्राम से आप ए सिंक्रोनिक्स फ्लाइट का मेकनिज़म्स जो है वो इजीली देख सकते हैं इसके अंदर आप देखें ए सिंक्रोनस फ्लाइट मसल्स इसके अंदर ये वर्टिकल मसल्स लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दोनों इन्वॉल्व होंगे और विंग्स जो हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट एट द थॉरिक्स रीजन तो यहाँ पर वर्टिकल मसल्स दे पुल ऑन द रूफ ऑफ थॉरिक्स कॉजिंग द विंगस टू रेज द थॉरक्स इट वाइड एंड लेंथन्स और ये लॉन्गी मसल्स जो है वो इनको स्ट्रैच करेगा इसी दौरान जो है लॉन्गील मसल्स जो कि थॉरिक्स की पोस्टीरियर और इंटीरियर साइड्स पे प्रजेंट होंगे ये विंग्स को लोअर करेंगे थॉरिक्स नैरो होगा शॉर्टन होगा और वर्टिकल मसल स्ट्रेच होंगे तो ये स्ट्रेचिंग रिलैक्सेशन दोनों प्रोसेस से एसिंक्रोनस फ्लाइट मसल्स जो हैं हेल्प द इंसेक्ट टू फ्लाई